So let's talk about this question. The value of integration of ln of modulus x divided by x into denominator में ही under the root of 1 plus ln of modulus x available. तो क्या करें दोस्तों इस सवाल के अंदर में? बिल्कुल एक देखते हैं इसको क्वेश्चन को, एक सवाल आ रहा है या एक थॉट आ रही है मन में कि आप क्या करें, 1 plus ln of modulus x को एक another variable let us say t square put कर दिया ताकि radical sign हट जाए, रेडिकल साइन हट जाए और ln mod x का डेरिवेटिव जो है वो 1 upon mod x हो जाएगा, जो कि mod x या 1 upon x हो जाएगा, ठीक है ना। मैं लिख सकता हूं कि x को पॉजिटिव मान लो आप एक मिनट के लिए, ठीक है ना। ln mod 1 plus ln mod x = t square मान लिया, तो एज अ रिजल्ट मैं लिख सकता हूं कि dx divided by x is nothing but 2t dt, ऐसा मान लेते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। dx upon x, ln x का डेरिवेटिव 1 over x हो जाता है, तो ये dx upon x की वैल्यू 2t dt आ गई। अब जो इंटीग्रेशन आई है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन। अब ln modulus x की जगह पर क्या पुट कर दूं मैं, t square minus का 1 into, अब dx upon x की जगह पर 2t dt divided by 1 plus ln mod x की जगह under root of t square, under root of t square will be ये t आ जाएगा, ठीक है ना। मैं modulus को ध्यान में नहीं दे रहा हूं, मतलब वो आप neglect कर सकते हैं उस बात को, तो t और t कट जाएगा अपने पास, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस का 1 dt, ये आ गया अपने पास, यानी ये वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स ऑफ t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस का t प्लस सम कांस्टेंट, करेक्ट। यानी ये वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ, अब ये t क्यूब बाय 3, तो 2/3 ऑफ t क्यूब, अब t कौन है, 1 प्लस ln x का अंडर द रूट, ये t आ जाएगा, ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू क्या आएगी, देखिए दोस्तों 2/3 ऑफ, अब ये t क्यूब क्या बन जाएगा 1, अब t स्क्वायर इनटू t आ जाएगा, ठीक है ना, t स्क्वायर इनटू t आ जाएगा, या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 2/3 ऑफ ये t क्यूब मैं एज इट इज लिख रहा हूं माइनस का 2t प्लस सम कांस्टेंट आएगा। अब आप t की वैल्यू यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा, सही है ना। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इनफैक्ट इस बात को आप लिखना चाहें कि t कॉमन ले लिया आपने, और ये क्या बन जाएगा, t कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 2 प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है ना। अब t की वैल्यू यहां से अपने पास आ जाएगी, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस ln ऑफ मॉडुलस x आ जाएगी, और t स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, आप पुट कर दें ऑप्शन में से, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सिंपलीफाई करेंगे 2/3 ऑफ अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस ln मॉडुलस x इनटू ब्रैकेट में ln ऑफ मॉडुलस x माइनस का 2, ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा, सही है दोस्तों।